उलैके ते पंजाब दे माहौल उलैके पंजाब सरकार झूठ बोल रही है। ये बयान जिहड़े अभय चौटाला दे वल्लों दित्ते गए ने ते जिस नूं लै के उन्हां ने पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ते निशाने भी साधे ने अते किया है कि जिहड़ी उन्हां दे वल्लों टिप्पणियां कीतियां जा रहियां ने ओह 90% झूठ बोलियां जा रहियां ने अते आम आदमी पार्टी ते सवाल भी कीते ने। पूरे मुद्दे नूं लै के सुणदे आ अभय चौटाला दा की कहना है। आदेश जारी किया है, पंजाब की गवर्नमेंट तो उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी कर रही है। ये पंजाब की सरकार पहली बार नहीं कर रही। SYL के इशू के ऊपर भी बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बजाय कैसे उस फैसले को लटकाया जाए, इसके लिए भगवंत मान ने जो है असेंबली बुला ली थी चीफ मिनिस्टर, और उस असेंबली के अंदर उस पर चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि उसको इलीगल करार दे दिया गया था असेंबली को गवर्नर की तरफ से। फिर उसने एक डिबेट करी, सारी पार्टियों को बुलाया और ये कहा कि लुधियाना में और आकर के इस पे चर्चा करते हैं। वहाँ पे भी उसने जो जितने भी तथ्य रखे मीडिया के सामने वो सारे के सारे जो बातें उसने कही उसमें से 90% बात जो है झूठ थी। उसको यही पता नहीं था कि SYL नहर का पानी कहाँ जाना है, हमारा हिस्सा कितना है। उसने तो ले दे करके सबसे पहले बादल साहब को टारगेट किया उसमें, जबकि SYL का जब फैसला हुआ था पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जो ट्रीटी साइन हुई थी और उन्होंने ये कहा कि प्रकाश सिंह बादल अपने खेत में पानी ले जाने के लिए SYL का पानी हरियाणा को देना चाहता था। तो स्वयं झूठ बोलने के मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो फिर उस पद की गरिमा खत्म कर देता है। सुप्रीम कोर्ट को जो ऑर्डर है अपने शक्ति से इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए, चाहे वो SYL का है और चाहे ये इस पराली वाले मामले का है। आज की डेट के अंदर बात हरियाणा पंजाब यूपी राजस्थान इसकी नहीं है, इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है इस चीज़ को देखने की है। हमारी जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उन पे इफेक्ट आता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन पे बहुत इफेक्ट आता है। ये तो जहरीली गैस है, इससे जहाँ मनुष्य पे इफेक्ट है वहाँ पक्षियों पे भी इफेक्ट है, बर्ड्स पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। इस मामले में सरकारों को भी सख्ती अपनानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना चाहिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि पंजाब में ये हो गया, हरियाणा के किसान ने ये कर दिया, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आप सुविधा दो, उनको इम्प्लीमेंट्स हायर करके दो, सब्सिडी पे दो, ताकि उस पराली को जलाने की बजाय उस पराली का यूज़ कर सके, उससे दो रुपये की इनकम उसकी और ज़्यादा